मैं हूँ इस वक्त एक मालगाड़ी की गार्ड वैन में। तो यहाँ पर एक बैठने के लिए सीट भी मौजूद है जहाँ पर हम बैठ के आराम से अपना जर्नी इंजॉय कर सकते हैं। हो रहा लोकोमोटिव हमारी ट्रेन का, तो ये लग चुकी है ट्रेन लुंडो रेलवे स्टेशन के लूप लाइन पर। फाइनली 6312 55 तक जा रही है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही क्योंकि ट्रैक पर जो है वो PLC वगैरह चल रही है। तो 3:13 पर ट्रेन डिपार्ट कर रही है टंडो आडम जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और अब हम आगे आ चुके हैं और आगे का माहौल जो है कुछ इस तरह का है। इंतहाई तेज बारिश हो चुकी है इस समय, काफी साफ सुथरा हो चुका है सब कुछ बारिश के बाद से। तो ये ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है कोटरी ब्रिज की तरफ। चेक करें आप बारिश का फ्लो इतनी तेज हो रही है, दरिया भी काफी भरा हुआ है इस वक्त। देख सकते हैं आप आगे ट्रेन हमारी लेफ्ट साइड पर मुड़ रही है जबकि पैसेंजर ट्रेन जितनी भी है वो यहाँ से स्ट्रेट चली जाती है। तो दोस्तों ये आ रही है डाउन में ट्रेन G40 एक दूसरे को हेलो कहते हुए। वाओ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर और आज का जो हमारा ट्रेन जर्नी है ये बहुत ज्यादा यूनिक होने वाला है क्योंकि आज हम किसी पैसेंजर ट्रेन में सफर नहीं करने वाले बल्कि आज हम सफर करेंगे एक फ्रेट ट्रेन में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आज हम सफर करेंगे मालगाड़ी में जो कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि नवाबशाह रेलवे स्टेशन के डाउन मेन प्लेटफॉर्म पर लग रही है। और आज का जो हमारा जर्नी है वो इस मालगाड़ी के कबूस वैन में होगा जिसे आम अल्फाज में हम गार्ड वैन कह सकते हैं लेकिन रेलवे की जबान में इसे कबूस कोच या कबूस वैन कहा जाता है जो कि हर मालगाड़ी के आखिर में होता है। तो एक रेल फैन की छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं कि जिसमें मालगाड़ी में सफर करना मेरी उन्हीं ख्वाहिशों में से एक था जो कि आज पूरी होने जा रही है। तो ट्रेन जो है हमारी वो आप देख सकते हैं इस वक्त नवाबशाह रेलवे स्टेशन से निकल रही है और साथ ही आप ये देख सकते हैं कि मौसम इस वक्त बहुत ज्यादा हसीन हो रहा है, हल्की हल्की बारिश इस वक्त हो रही है और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आगे चलकर हमें बहुत तेज बारिश भी मिले। तो चलें आप आज का ये यूनिक जर्नी एंजॉय करें और मुझे भी करने दें। तो यहाँ पर एक बैठने के लिए सीट भी मौजूद है जहाँ पर हम बैठ के आराम से अपना जर्नी एंजॉय कर सकते हैं। तो इस 502 डाउन सुपर पार्सल में हमने तकरीबन 12:15 अपना जर्नी शुरू किया है और होपफुली ये जर्नी जो है ये हमारा आज कोटरी जंक्शन तक रहने वाला है और रास्ते में हम आपको ओवरटेक्स वगैरह भी आएंगे जो कि हम आपको दिखाएंगे, जितनी भी अब ट्रेन से क्रॉसिंग होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे, ओवरटेक्स भी आपको दिखाएंगे और बाकी पीछे से ट्रेन के क्या नज़ारे हैं इस गार्ड वैन से ये तो आप लोग देख ही रहे हैं बारिश के मौसम में। तो आज नवेद भाई हमारे साथ हैं। हेलो सर, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। तो ये आज से पहले जो है आप लोगों ने मेन लाइन पर इस तरह के नज़ारे नहीं देखे होंगे कभी भी। तो 12:15 पे हम लोग निकले थे
नवाबशाह रेलवे स्टेशन से, और अब हम देखते हैं कि कितनी देर में पहुंचते हैं कोटी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और एक मालगाड़ी में गार्ड की लाइफ क्या होती है, कितनी ख्वारी होती है, कितनी देर तक स्टे करना पड़ता है किसी स्टेशन पर, क्योंकि अब हमारे पीछे जो है वो 6 डाउन ब्रिलियन एक्सप्रेस आ रही है, इसके अलावा 44 डाउन शाह हुसैन एक्सप्रेस आ रही है और 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस आ रही है। तो हम आगे आप लोगों को इन तीनों ट्रेन का ओवरटेक भी दिखाएंगे। देखते हैं कि कितनी देर तक हमारी ट्रेन को रोककर इन तीनों ट्रेन को गुजारा जाएगा हमसे आगे, और कितना टाइम लेती है ये ट्रेन नवाबशाह रेलवे स्टेशन से कोटी जंक्शन रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में, और ट्रैक की क्या सूरत हाल है ये भी आप लोग साथ साथ देखेंगे। तो दोस्तों ये हमारी ट्रेन इस वक्त अप्रोच कर रही है सरहारी रेलवे स्टेशन पर पूरे 12:04 पर। तो ये 11 अप से हमारी मुलाकात हो चुकी है सरहारी रेलवे स्टेशन पर, एच जी ट्रेन की लीड पर है, बसेज आ चुके हैं हमें काफी तेज। तो इस सरहारी के दोनों प्लेटफॉर्म जी राइट पर है, इस तरफ वो चेक करें आपके GU40 जो है हमारा वो आधी ट्रेन को लेकर घर पे पहुंच भी चुका है। कितनी लंबी ट्रेन है, कितना लंबा देख है ट्रेन का, क्योंकि ये मालगाड़ी है। लोकोमोटिव हमारी ट्रेन का तो कुछ इस तरह की स्पीड है ट्रेन की, हमारी 55 तक जा रही है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा रही क्योंकि ट्रैक पर जो है वो PLC वगैरह चल रही है, कॉशन्स लगे हुए हैं जैसा कि आप जानते हैं सेम के काफी जगहों पर। ट्रेन हमसे मिस हो गई, लोकोमोटिव मिस हो गया बेसिकली, जो कि एक अप कंटेनर ट्रेन है। और इससे हमारी मुलाकात हुई है इस ट्रेन से लुंडो के आउटर पर, और हमारी ट्रेन जो है इस वक्त शायद लुंडो की लूप लाइन पर लग रही है, पीछे आने वाली 4 ट्रेन को रास्ता देते हुए। चौथी ट्रेन है 69 कराची एक्सप्रेस, जिसका मैं पहले आपको बताना भूल गया था, मेरे ध्यान से निकल गया था कि वो भी हमारे पीछे ही है। तो वो देखिए हमारी ट्रेन जो है वो लग चुकी है लूप लाइन पर लुंडो रेलवे स्टेशन की, और यहाँ पर जो है 4 ट्रेन को ओवरटेक करवाया जाएगा, हमारी ट्रेन से आगे निकाला जाएगा, यानी कि लेट्स सी कि 4 ट्रेन को एक साथ इसी स्टेशन पर निकाला जाता है हमसे आगे, या फिर आगे किसी रेलवे स्टेशन में दोबारा हमारी ट्रेन को रोककर इन ट्रेन को निकाला जाएगा।
ये लग चुकी है ट्रेन लुंडो रेलवे स्टेशन के लूप लाइन पर फाइनली, जो कि पाकिस्तान रेलवे के मार्केट के लिहाज से 269 किलोमीटर पर मौजूद है। काफ़ी अच्छा और छोटा सा रेलवे स्टेशन लुंडो का। चल अब यहाँ पे अपना टाइम पास करते हैं, और टाइम पास कैसे होता है लेट्स सी, हम यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो ये हालात हैं कुछ लुंडो रेलवे स्टेशन के, जहाँ पर एक भी ट्रेन का स्टॉप नहीं है और मालगाड़ियाँ अक्सर रुक जाती हैं यहाँ पे ओवरटेक्स के लिए। जैसे कि हमारी ट्रेन आज रुकी हुई है मालगाड़ी 4 ट्रेन को रास्ता देने के लिए, लेकिन ट्रेन में आने में टाइम है। तो चलें, थोड़ा सामने ही बाज़ार दिख रहा है, यहाँ चल कर थोड़ा खा पी लेते हैं। चलें आ जाएं। ये हालात है स्टेशन बिल्डिंग के, टिकट घर जो है वो तो बंद ही हो गया है क्योंकि कोई भी ट्रेन यहाँ पे नहीं रुकती, अंग्रेज़ों के ज़माने की स्टेशन बिल्डिंग। तो ये हाई रूप जो देख रही है आपको, इसके राइट साइड पर स्टेशन है। तो और हम यहाँ से बिल्कुल चलते हुए आ गए एक गन्ने का जूस पीने के लिए। तो ये है लुंडो शहर, लुंडो शहर तो नहीं कहेंगे, छोटा सा इलाका कह लें आप। तो यहाँ पे भाई हमारे ताज़ा गन्ने का जूस निकालेंगे और हम दुकान में बैठ कर यहाँ पियेंगे। आ जाए भाई। ये स्टेशन के हालात कुछ देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह के हैं। ये सामने स्टेशन की मेन बिल्डिंग है और बिल्कुल सामने जो है ये लुंडो का बाजार है जहाँ से हम अभी आ रहे हैं। हम आए हैं इस ट्रेन में जो कि सामने खड़ी हुई है मालगाड़ी, और बाकी मैं इस वक्त जिस प्लेटफॉर्म पर हूँ ये है अप का प्लेटफॉर्म, और सामने जो है वो डाउन का प्लेटफॉर्म है। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। बादल जो है वो टुकड़ों में है, घटा आ गई अगर तो बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी मालगाड़ी को ओवरटेक करने के लिए आ रही है लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली 16 डाउन कराची एक्सप्रेस, जिसके लिए सिग्नल्स जो हैं वो ग्रीन हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, 14 अगस्त तो आप मना रहे हैं सर पूरा पाकिस्तान का झंडा पहन के, बहुत खुशी आज़ादी की। बिल्कुल होनी भी चाहिए। नाम क्या है आपका? हमाद भाई। आप लोगों का? मेरा दानियाल। दानियाल हसनैन, वो भी हसनैन। कौन सी क्लास में आप लोग? सिक्स। मैं सिक्स में हूँ। अच्छा, वाह यार जबरदस्त। चलें ट्रेन की, ट्रेन आ रही है उसकी वीडियो बनाते हैं, फिर आपसे मजीद बात अच्छा करते हैं। अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा? यार चैनल अभी देखा ही कहा है यार आपने। तो ये आ रही है लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली 16 डाउन कराची एक्सप्रेस, GU40 ट्रेन की लीड पर है। आज ट्रेन तकरीबन 4-4.5 घंटे लेट चल रही है इस वक्त। GU40 9016। तो काफ़ी तेज़ बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है, मतलब बूंदाबांदी में तेज़ कहेंगे आप या फुहार में तेज़ कहेंगे, क्या कहेंगे आप? हम इसे कहेंगे कि मूसलाधार, मूसलाधार। तो ये एक छोटी सी मस्जिद भी मौजूद है स्टेशन पर, काफ़ी साफ़ सुथरी है, ज़रूर कोई सफाई करता होगा। नमाज पढ़ी जाती है इसका मतलब है। बिल्कुल। तो ये जो है वाइट वाली ओल्ड बिल्डिंग है, उसके बराबर में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं जो न्यू बनी हुई है वो CBI बिल्डिंग है, यानी कि जहाँ सिग्नल वगैरह की कंट्रोलिंग होती है। बाकी वो डाउन लूप लाइन है जहाँ पे मालगाड़ी खड़ी हुई है हमारी, ये अप लूप लाइन है, और ये दोनों जो है ये मेन लाइन्स हैं अप की और वो वाली डाउन की। तो दोस्तों, पूरे 1:55 पर कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली 13 अवाम एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है। और लोकोमोटिव जो है वो ZCU-30 लग रहा है। यस, ZCU-30 ही है,
PLC देने के लिए भाई आ चुके हैं आगे। असिस्टेंट ड्राइवर PLC रिसीव करेंगे, ये पकड़ ली। सिक्स थ्री वन टू ठीक है। पवाम एक्सप्रेस धुआं उड़ाते हुए यहाँ से जा चुकी है, यानी कि लुंडो रेलवे स्टेशन से जा चुकी है। नेक्स्ट ओवरटेक करने जो आ रही है हमारी मालगाड़ी को, वो है इस्लामाबाद कराची के दरमियान चलने वाली 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। तो देखते हैं कि वो कितनी देर में यहाँ पे पहुँचती है। बाकी गार्ड वैन का कोच जो होता है वो किस तरह का होता है, इसका मैं आपको एक इंटीरियर दिखा देता हूँ एक नज़र में। तो ये बेसिकली पाकिस्तान रेलवेज के CFI के कोचेज जो होते हैं, वही वाली बोगी लगी हुई है इसमें। यानी कि ये जो है बिल्कुल चलने में, जो है मैंने भी ट्रैवल किया है तो चलने में बिल्कुल वैसा ही जैसे कोई CFI का कोच चलता है। बाकी जो दूसरे वाले होते हैं चाइना के जो हैं ब्रेक वैन के कोचेज, वो थोड़े डिफरेंट हैं, जो बिल्कुल चकोर होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे अक्सर ट्रेन में, यानी कि नए वाले जो हैं हमारे। बाकी यहाँ पर और यहाँ पर गार्ड साहब की बैठने की जगह है, अंदर आए अगर तो यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। यहाँ पे वो जो भी डायरीज वगैरह बनानी होती है, स्टेशन की टाइमिंग वगैरह नोट करनी होती है, वो सारी यहाँ पे डेस्क पर बैठ कर कर सकते हैं। यहाँ से साथ साथ मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं कि कौन से स्टेशन से ट्रेन गुजर रही है रात वगैरह में। ये हैंड ब्रेक है जिसको घुमाने से प्रेशर रिलीज हो जाता है और ट्रेन जो है वो रुक जाती है। साथ ही ये गार्ड साहब के सोने के लिए यहाँ पर बर्थ भी मौजूद है एक अदद। तो नीचे वाली बर्थ तो ठीक हालत में है, लेकिन ऊपर वाली के जो फोम है वो मौजूद नहीं है। और बाकी इसके बाद जो है ये यहाँ पर बंद है, उससे आगे जो है वो लगेज स्पेस है। लगेज स्पेस से आगे जो एरिया है वहाँ पर भी सेम इसी तरह का सीन है। तो ये सब कुछ होता है मालगाड़ी की एक गार्ड वैन में। तो दोस्तों ये सिग्नल जो है अब ग्रीन हो चुके हैं 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के लिए, जो कि मालगाड़ी और कराची के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है। ये रही ट्रेन थ्रू के सिग्नल्स SGM हरी ट्रेन के लीड पर, और हल्की हल्की बारिश हो रही है इस वक्त लुंडो रेलवे स्टेशन पर। ट्रैक से सेफ डिस्टेंस पर खड़े होना चाहिए जब भी आप रेल प्लानिंग करें कहीं पर। ट्रेन काफ़ी अच्छी स्पीड में है, 8222। कराची एक्सप्रेस और ग्रीन लाइन एक्सप्रेस जा चुकी हैं। शाह हुसैन एक्सप्रेस और रहमान बाबा एक्सप्रेस, अब से 2 ट्रेन रह गई हैं पीछे। तो बारिश जो है वो तेज हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोचेस से पानी जो है टपकना शुरू हो चुका है अब। तो दोस्तों ये आ रही है बिल्कुल मेरे सामने से लाहौर कराची के दरमियान चलने वाली 44 डाउन शाह हुसैन एक्सप्रेस। G40 आज लगा हुआ है ट्रेन की लीड पर और एक्सीलरेट करना शुरू कर दिया G40 ने, आवाज़ें यहाँ तक आ रही हैं। बारिश जो है वो इस वक्त थोड़ी कम हो चुकी है।
तीन ट्रेनें जा चुकी हैं, अब से 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस रह गई है। तो दोस्तों पूरे 2:05 पर लुंडो रेलवे स्टेशन पर 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस के लिए भी सिग्नल जो है वो ग्रीन हो चुके हैं और ट्रेन जो है वो भी इस वक्त बिल्कुल मेरे सामने से आ रही है और ये उम्मीद है कि ये लास्ट ओवरटेक होगा और इसके बाद हमारी यहाँ से रवानगी हो जाएगी, यानी कि चार ट्रेन्स को रास्ता देने के बाद। तो इस तरह की सिचुएशन होती है कुछ मालगाड़ी के ड्राइवर्स और मालगाड़ी के बाकी स्टाफ की। तो ये ट्रेन जो है आउटर पर लेवल क्रॉसिंग के पास रुक गई थी और अब दोबारा से SGM 30 ने एक्सीलरेट करना शुरू किया है। आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नवीद भाई खाने में क्या यार, भूख लग रही है बहुत। सर अभी तो हमने लिस्ट चिप्स लिए गुजारे के लिए। यार यही देते हैं फिलहाल, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बड़ी खारी चल रही है। और बोतल भी हमने फंटे के लिए। स्नैक्स खाते हैं थोड़े से और अपनी ट्रेन के चलने का वेट करते हैं। तो रहमान बाबा के जाने के बाद सिर्फ 10 मिनट बाद ही तकरीबन 2:20 पर हमारी ट्रेन को भी सिग्नल मिल गया है निकलने का यहाँ से और ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है लुंडो रेलवे स्टेशन की लूप लाइन से। तो लुंडो रेलवे स्टेशन पर मौसम जो कुछ है वो कुछ इस तरह का है, काफ़ी गहरे बादल यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ से भी जो है काफ़ी सारे बादल आ रहे हैं। मेन लाइन पर पहुंच चुके हैं और डाउन अप ट्रैक के सिग्नल अगर आप देखें तो ऑरेंज हो रहा है और अप में भी जो है वो एक अदर ट्रेन आ रही है। लेट्स सी कौन सी ट्रेन होती है, ये मे बी फ्रेट ट्रेन हो। तो 2:40 पर इस वक्त हमारी ये मालगाड़ी अप्रोच कर रही है शहदादपुर रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन आना शुरू हो चुका है, साइड लाइन्स आना शुरू हो चुकी हैं, ट्रैक स्विच
या तो ट्रेन को PLC लेते हुए पास करवाया जाएगा, या फिर हो सकता है कि ट्रेन यहाँ पर रुक भी जाए, कुछ नहीं पता। तो ये देख सकते हैं आपके डाउन का जो प्लेटफॉर्म है काफी हाइट पे बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन जारी है, लेट्स से कितने दिन में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है और मुसाफिरों को जो है इससे फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा चढ़ने उतरने में, खास तौर पे बुजुर्गों और बच्चों को। ये देखें पहले कितनी हाइट थी और अब कितनी ज्यादा हाइट हो चुकी है प्लेटफॉर्म की। तो 3:10 पर जो है ट्रेन हमारी एंटर हो चुकी है टंडोआदम में, और कुछ ही देर में अप्रोच कर रही है ट्रेन टंडोआदम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और ये आ रही है 47 रहमान बाबा एक्सप्रेस। तो ये आ गया टंडोआदम का मेन जंक्शन रेलवे स्टेशन। हाँ, रुकेगी, टेंशन नहीं है। तो चले अब हम चलते हैं आगे वाले पोर्शन में, और अब आगे के नज़ारा दिखाते हैं आपको ट्रेन से आगे आने के इस साइड पर, यहाँ पर। और अब हम यहाँ से नज़ारे एंजॉय करेंगे, यहाँ से व्हील की मूवमेंट्स देखेंगे और यहाँ से अब आपको नज़ारे दिखाएंगे आगे के। तो 3:13 पर ट्रेन डिपार्ट कर रही है टंडोआदम जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और अब हम आगे आ चुके हैं, और आगे का माहौल जो है कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का नज़ारा देखेंगे हम कोच के पीछे से। पहले हमने बिल्कुल रेयर व्यू देखा था, अब हम एक तरह से इस कोच का फ्रंट व्यू देखेंगे कि जहाँ से ये कनेक्टिविटी होती है कोच के साथ। ये बेसिकली CBC कपलिंग के लिए है ये, लेकिन लास्ट कोच जो है आप देख सकते हैं कि हुक कपलिंग वाला है, ये CBC भी कपल भी कर सकते हैं और हुक कपलिंग भी कर सकते हैं, इसी वजह से यहाँ पे बफर भी इंस्टॉल है दोनों तरफ आगे वाले कोच के, जबकि जिसमें हम है गार्ड वैन में ये तो है ही हुक कपलिंग वाला। तो ये टंडोआदम का मेन प्लेटफॉर्म है, अब हम एंजॉय करेंगे अपना सफर। टंडोआदम कहते हैं अलविदा, चलें अब आगे हैदराबाद की तरफ चलते हैं।
काफी तेज बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है बाहर। ट्रेन एक शार्प कब ले रही है जो कि ठंडो आदम से निकलते ही आता है। क्या बेहतरीन नजारा है यार, ये मजा आ गया। क्या बोलते हैं नवीद भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। आज बारिश हो चुकी है और लोकोमोटिव बहुत बारिश के अंदर एंटर हो चुका है। इंतहाई तेज बारिश शुरू हो चुकी है सुबह।
काउंटर से मूव हो चुके हैं और अब तो कुछ देर में आने वाला है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। G40 कंटेनर के साथ तो ये सारे कंटेनर जो है आज खुल चुके हैं और काफी तेज बारिश हुई है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सारे कंटेनर जो है इस वक्त टपक रहे हैं, कोचेस टपक रहे हैं सारे। कुछ जगहों पर पानी भी खड़ा हो चुका है ट्रैक पर, ये चेक करें। दोस्तों ट्रेन तकरीबन 2 मिनट रुकने के बाद निकल रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से और इस वक्त टाइम हुआ है 4:35 और अब यहाँ से चलने के बाद कुछ ही देर में हम लोग स्किप करेंगे दरिया सिंह के ऊपर बने हुए मेहरान ब्रिज को, सॉरी कोटरी ब्रिज को। मेहरान ब्रिज अब ट्रेन के लिए है और देखते हैं क्या हमें कोटरी से पहले मजीद बारिश मिलती है नहीं, या फिर हम ऐसे ही जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता गीले होते हुए, क्योंकि अभी बारिश हल्की हल्की हो रही है। बिल्कुल बड़ा अच्छा सफर रहा, बहुत अच्छा जर्नी जा रहा है फिलहाल तो। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन की तरफ, जहां पर इस ट्रेन को ले लिया जाएगा कोटरी यार्ड में। काफी साफ सुथरा हो चुका है सब कुछ बारिश के बाद से। तो ये फाइनली प्लेटफॉर्म नंबर 2 छोड़ दिया है ट्रेन ने, 4830 GMHP और ये हमारी ट्रेन ट्रैक्स चेंज करते हुए जा रही है मेन लाइन की तरफ। कुछ हालात हैं ट्रैक के, आप देख सकते हैं इस वक्त
हैदराबाद से निकलते ही बारिश जो है वो एक बार दोबारा से शुरू हो चुकी है और काफी तेज बारिश हो रही है इस वक्त। साइड्स में पानी काफी जमा हो चुका है। ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है कोटरी ब्रिज की तरफ और काफी लंबा कर दे रही है इस पर ट्रेन और बारिश भी बहुत ज्यादा तेज हो रही है। वायर ये ट्रेन एंटर हो चुकी है कोटरी ब्रिज के अंदर। इतहाई तेज बारिश इस पर बाहर कैमरे पर पानी आ चुका है। बहुत बहुत मुश्किल हो रही है। आ गया मैदान ब्रिज के अंदर सॉरी कोटरी ब्रिज के अंदर। हैवी बारिश चल रही है इस वक्त और ये चेक करें आप व्यू कोटरी ब्रिज का, वो सामने मैदान ब्रिज बिल्कुल हमारे जो कि अब ट्रेन के लिए यूज होता है। चेक करें आप बारिश का फ्लो इतनी तेज हो रही है। दरिया भी काफी भरा हुआ है इस वक्त। बहुत ज्यादा पानी आ रहा है कैमरे पर। फाइनली ब्रिज हमने स्किप कर लिया है और अब हम कोटरी में एंटर हो चुके हैं कोटरी शहर में। दरिया बहुत तेज चल रहा है इस वक्त, कैमरे में तो नहीं आ रहा होगा। तो ट्रेन हमारी कर्व लेते हुए जा रही है कोटरी यार्ड की तरफ। जो मालगाड़ी को जो है वो प्लेटफॉर्म पर नहीं दिया जाता है, यार्ड में दिया जाता है। यार्ड जो है कोटरी का वो मैं भी पहली बार देखूंगा और आप लोगों में से भी बहुत से लोग इस यार्ड को पहली बार देख रहे होंगे। देख सकते हैं आप आगे ट्रेन हमारी लेफ्ट साइड पर मुड़ रही है जबकि पैसेंजर ट्रेन जितनी भी है वो यहाँ से स्ट्रेट चली जाती हैं। बारिश में तो क्रिकेट के मैचेस भी चल रहे हैं। और ये ट्रेन सीधा जा रही है कोटरी यार्ड में जबकि वो लाइन अलग हो गई है जो कि कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जाती है।
तो वो बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि 45 और पाकिस्तान एक्सप्रेस कराची रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली, वो कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकली है और मेहरान ब्रिज से होती हुई हैदराबाद के लिए जा रही है। तो ये पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन के यार्ड में, और यार्ड में जो है इस वक्त एक लाइन ये है जिस पर अभी हमारी ट्रेन लग रही है, दूसरी ये रही है हमारा बराबर वाली 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9th लाइन जो है वो थोड़ी ख़राब है जिस पर रेल कोचेस खड़े हुए हैं, बाकी 8th लाइन जो है ये मुझे तो लग रहा है कि वर्किंग में है, बाकी रेलवे वाले बेहतर जाने। काफ़ी बड़ा यार्ड एक तरह से आप कह सकते हैं कोटरी जंक्शन का, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर। ये कूल हूपर वैंस के कोचेस भी खड़े हुए हैं यहाँ पर, और अगर वैसे देखें तो सिर्फ ये एक हमारी ट्रेन आ रही है जो प्रॉपर एक ट्रेन है, कूल हूपर वैन के साथ जो है वो लोकोमोटिव नहीं है। सुबह मैंने जाते हुए भी देखा था इस ट्रेन को। तो दोस्तों ये था मेरा सफर नवाबशाह से लेकर कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन तक का, कि जिसमें आपने देखा कि हमने मालगाड़ी के आखिरी कोच यानी गार्ड वैन में सफर किया, और रास्ते में हमारी मुलाकात एक तूफान से भी हुई कि जिस वजह से हमें काफी तेज बारिश भी देखने को मिली अपने सफर में। तो ये ट्रैवल मेरे लिए उन ट्रैवल्स में से है जिन्हें मैं कभी भुला नहीं सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जल्दी बात होगी आप लोगों से आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Thank you.